युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी नेहा जोशी जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। आपको बता दें कि भाजपा का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी नेहा जी के पास है और आज जयपुर में जगह जगह पर जाकर नेहा जी ने सदस्यता अभियान को गति भी प्रदान की है। नेहा जी, कैसा रहा आज का आपका सदस्यता अभियान? देखिए, मैं पिछले 2 दिन से यहाँ जयपुर शहर, जयपुर देहात क्षेत्र में प्रवास करके और सदस्यता की जो कैंप्स लग रहे हैं उनमें मेरा प्रतिभाग रहा। और आप जानते हैं कि युवाओं को कन्विंस करना सबसे मुश्किल होता है। युवा जो होता है वो बहुत आसानी से आपकी बात मानता नहीं है, उसके साथ आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, कई बार वाद विवाद भी करना पड़ेगा और उसको आपको कन्विंस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सबसे जो मुश्किल काम मिला था इस सदस्यता अभियान में वो युवा मोर्चा को ही मिला था कि युवाओं को कैसे अपनी पार्टी की विचारधारा की तरफ, अपनी जो सरकार केंद्र में और राज्य में चल रही है उसकी नीतियों की तरफ, उसके बारे में बात करना और फिर उसको सदस्य बनाना। तो मुझे खुशी हो रही है कि राजस्थान का हमारा जो युवा मोर्चा है वो इस कार्य में बहुत सफल रहा है। पिछले 15 दिन में हर दिन कम से कम 100 कैंप पूरे राजस्थान में लगे हैं। कॉलेजेस के बाहर जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, जब नवरात्र चल रहे थे तो हमारे जो जहाँ डांडिया के आयोजन हो रहे थे, पूजा के आयोजन हो रहे थे, ऐसे हाई फुटफॉल जगहों पर भी युवा मोर्चा ने बहुत अच्छे से कियोस्क लगाकर और सदस्यता का काम किया है। और ये एक तरीके से सरकार के भी काम पर मोहर है कि इतनी बड़ी संख्या में जब 10 साल सत्ता में रहने के बाद युवा आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आपके सदस्य बन रहे हैं, तो एक बहुत अच्छे संकेत ये मोदी जी की सरकार की तरफ भी और वजनला जी की सरकार की तरफ भी है। नेहा जी, ये तो रहा सदस्यता अभियान का बात। अभी आज ही राजस्थान में 700 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि आप राजस्थान प्रभारी भी हैं और राजस्थान का इतिहास रहा है कि उपचुनाव के अंदर जो विपक्ष में जो रहते हैं वो ज्यादा जीतते हैं, तो इस मिथ को आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए, बहुत सारे मिथक इस देश में टूट रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं, तो मुझे लगता है एक और मिथक इस बार राजस्थान का युवा, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान का किसान, गरीब, पिछड़ा, हर वर्ग इस मिथक को भी तोड़ेगा। और जो एक पॉजिटिविटी और ऊर्जा का संचार हरियाणा चुनाव के बाद हुआ है, इसका सीधा नतीजा मुझे लगता है हम इलेक्शंस में देखेंगे और 700 सीटों पर भाजपा जो है एक निर्णायक जीत दर्ज करेगा। क्योंकि आप सदस्यता अभियान को लेकर और राजस्थान प्रभारी की पद को लेकर आप कई जगह आप गए हैं, तो उपचुनावों की अगर बात करें तो अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको, जनता का मूड किस प्रकार से आप देख पाए? देखिए, जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा जज कर पाती है क्योंकि जनता के बीच में रहती है। आप देखिए, पिछले 2 महीनों से पार्टी का बड़े से बड़ा नेता और हर कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में लगा है और इस सदस्यता अभियान आप देखेंगे तो सीधा सीधा जनसंपर्क, एक एक घर में जाकर, एक एक बाजार में जाकर हमने सदस्य बनाए हैं, सीधा उनसे संपर्क किया है। और ये संपर्क सिर्फ एक मिस्ड कॉल देने तक नहीं रहता है, उनके हालचाल भी पूछे जाते हैं, उनकी दुख परेशानी भी पूछी जाती है। तो जो कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी का लोगों से है, हम सरकार की भी बात करते हैं, हम विचारधारा की भी बात करते हैं। और अभी जब हरियाणा चुनाव में हमारी जीत हुई है, जब सब कह रहे थे कि नहीं जीत रहे हैं, तो ये जो एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पास होता है, जो पिछले 1.5 महीने से हम एक एग्जिट पोल देख रहे हैं, जनता का मूड हमें पता चल रहा है, जब हम देख रहे हैं कि राजस्थान सदस्यता अभियान में भी कीर्तिमान कर रहा है, ये असली एग्जिट पोल है और जनता का मूड है जो 700 सीट पर हमें जीत रहा है। सातों की सातों सीट जीत रहा है। ये थे हमारे साथ नेहा जोशी जी और इनका साफ तौर पर कहना है सदस्यता अभियान तो जाहिर सी बात है गति पकड़ ही रहा है और इसमें युवा मोर्चा अपनी खास भागीदारी निभा रहा है। और क्योंकि आज 7 राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, नेहा जी का कहना है कि जिस हिसाब से सदस्यता अभियान के चलते और राजस्थान प्रभारी होने के नाते जनसंपर्क इन्होंने अपनी टीम के साथ में करा है, उससे पॉजिटिव मूड दिखाई दे रहा है। और हरियाणा चुनाव का एग्जाम्पल देकर नेहा जी ने कहा कि एक मिथ जब यहां पर टूटा तो दूसरा मिथ कि विपक्ष ही उपचुनावों में जीतता आया है वो भी जरूर टूटेगा और 700 की 700 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।